बॉलीवुड का यह बिहारी अभिनेता जो अपनी प्रतिभा के बदौलत कर रहा है राज। इसकी गरीबी ऐसी कि अपने जीवन यापन के लिए होटल में किया काम। इसी होटल में जब उसके गुरु पहुंचे तो आशीर्वाद के रूप में उसने चप्पल अपने पास रख लिया। इस अभिनेता का प्रेम और संघर्ष दोनों एक साथ चला और बुरे वक्त में पत्नी ने भी खूब साथ दिया। एक समय तो ऐसा भी आया जब एक सप्ताह के लिए जेल जाना पड़ा। जब भी कभी आप बॉलीवुड में बेहतरीन अभिनेताओं का नाम सुनेंगे तो इस किरदार का नाम पहली लिस्ट में आपको दिखेगा। यह किरदार बॉलीवुड में अपने प्रयोग, अपने नए अंदाज और हर किरदार को अपने में समेट लेने के लिए जाना जाता है। जब आप इस किरदार के संघर्ष के दिनों को जानेंगे तो आंखों से आंसू निकल आएंगे। लेकिन जुनून ऐसा कि हर कष्ट को, हर दुख को इसने हंसते हंसते काट लिया और आज जब वह बड़े स्क्रीन पर सामने आया तो लोग तालियां बजाते नहीं थक रहे हैं। इस अभिनेता का बचपन गांव में बीता। इस अभिनेता को बचपन में ही एक्टिंग का शौक था। गांव में होने वाले नाटकों में वह भाग लिया करता था। इसकी एक्टिंग की एक खासियत यह थी कि वह नाटकों में लड़कियों के किरदार निभाने में माहिर था। अब तक आप इस किरदार के बारे में समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे हैं तो हम बता देते हैं, यह बिहार का लाल, प्रदेश किसान, गोपालगंज के बेलसंड के रहने वाले पंकज त्रिपाठी हैं। पंकज त्रिपाठी का नाम जितना ऊंचा है वह इंसान असल जिंदगी में उतने ही साधारण है। खेतों में काम करने वाले पंकज त्रिपाठी ने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। उनका बचपन गांव में ही बीता था। यहाँ उन्हें नाटक करने में खूब मजा आता था। किस माता पिता की इच्छा नहीं होती है कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर, इंजीनियर बने या फिर बड़ा अधिकारी। पंकज के पिता की भी इच्छा इसी तरह की थी। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए पटना भेज दिया, लेकिन पंकज को पढ़ाई में कहाँ मन लगता था। उनका यहाँ भी ध्यान नाटक की ओर ही रहता था। वे पटना में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आए थे। पढ़ाई के ही दौरान उन्होंने कॉलेज में छात्र संगठन ABBP से जुड़ाव हुआ। इसी दौरान कई रैलियों में हिस्सेदार बने और कई बार जेल भी जाना पड़ा। पढ़ाई के दौरान पंकज होटल में काम भी करते थे। पंकज रात के समय होटल में काम करते और सुबह वे थिएटर में चले जाते थे। इसी तरह से उनका 2 साल चला। इसी होटल में रहते हुए पंकज त्रिपाठी को मनोज वाजपेयी का चप्पल मिला था। बता दें कि पंकज त्रिपाठी मनोज वाजपेयी को अपना गुरु मानते हैं और यह चप्पल भी उन्हें बड़ी मशक्कत के बाद मिली थी, जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए थे। पटना में नाटक और थिएटर करते हुए वे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे, यानी कि वहां तक का उनका सफर पूरा हो गया। साल 2004 में पंकज त्रिपाठी माया नगरी में प्रवेश करते हैं। पंकज त्रिपाठी का निजी जीवन भी किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं है। उनका प्रेम और उनका संघर्ष एक साथ चलता रहा। वे बताते हैं कि उनकी पत्नी, उनकी पहली मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। तब पंकज महज 10वीं क्लास में पढ़ते थे। पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। साल 2004 में पंकज और मृदुला ने शादी कर लिया और मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ से पंकज का असली संघर्ष शुरू होता है और इस संघर्ष के दौर में उनकी पत्नी ने खूब साथ दिया। घर परिवार की पूरी जिम्मेवारी मृदुला ने अपने कंधे पर उठा लिया और पंकज को अभिनय की दुनिया में छोड़ दिया। मुंबई पहुंचने के बाद पंकज को पहला काम टाटा टी के विज्ञापन में मिला। इसके बाद अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की फिल्म रन में हुए नजर आए। इसके बाद सैफ अली खान और अजय देवगन की फिल्म ओमकारा में एक छोटे से किरदार में दिखाई दिए पंकज त्रिपाठी। पंकज के लिए अभी भी संघर्ष चल ही रहा था, लेकिन पंकज ने अभी मेहनत करना नहीं छोड़ा था। एक समय तो ऐसा भी आया जब पंकज के पैकेट में मात्र 10 रुपये थे और उनकी पत्नी का उस दिन जन्मदिन था। वे अपनी पत्नी को केक भी नहीं खिला पा रहे थे, इसलिए उनकी पत्नी ने एक शब्द भी नहीं बोली और पंकज के संघर्ष में उनके साथ चलती चली गई। पंकज को पहचान तब मिली जब वे बड़े पर्दे पर साल 2012 में एक दमदार किरदार के रूप में आए, गैंग्स ऑफ वासेपुर में। वे एक दमदार किरदार के रूप में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए। अब वह समय आ गया था जब पंकज को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। उस समय पंकज के पास वह भी मौका आया जब फिल्म शूटिंग के दौरान उनके पास समय नहीं था और उन्होंने कई फिल्मों को ना कह दिया। पंकज के फिल्मों को अगर हम देखें तो स्त्री, मसान, सुपर 30, गुंजन सक्सेना, मिमी और गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने मिर्जापुर,
कागज, लूडो, स्केट गेम्स, गुड़गांव जैसी वेब सीरीज में बेहतरीन अभिनय किया। आज पंकज त्रिपाठी अपने नाम से कम अपने किरदार के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसमें कालीन भैया सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। पंकज आज भले ही एक स्टार अभिनेता हो गए हों, लेकिन आज भी जब अपने गांव जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ आग पर लिट्टी सेकते जरूर दिखाई देते हैं। गांव के खेतों में घूमना नहीं भूलते हैं। पंकज आज अपने बिजी जीवन में यानी कि बिजी शेड्यूल में भी गाँव घर के लिए समय निकालते हैं और माता पिता के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पंकज इसी तरह से फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय का लोहा मनवाते रहें और लोग उन्हें इसी तरह से प्यार लुटाते रहें।